हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी एंड बेसिक समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसका क्या स्कोप है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार पहले आप वो देख लीजिए ताकि ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि कैसे हम लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, इसके अंदर कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ये सारी चीज़ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कंसर्न है। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। स्कोप मतलब होता है किन किन एरियाज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किन किन जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ करी जा सकती है, किन किन डिसिप्लिन्स में यूज़ करी जा सकती है। एग्ज़ाम में स्कोप आ जाए चाहे फंक्शन आ जाए, ऑल्दो मैं फंक्शंस अलग से कराऊंगा बट आप सेम चीज़ें फंक्शन में भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में हम तीन चीज़ों को मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजंस, देन इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट में हम लोगों का आता है डिविडेंड डिसीजन। अब इन तीनों के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, अब वो लोग हम लोग समझते हैं। फाइनेंसिंग मतलब होते हैं मेरे सारे डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस, कि हम लोगों को कितना रेस करना है फाइनेंस, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, कैसा करना है, वो सारी चीज़ें। भाई शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं, ओडी करवानी है, सीसी फैसिलिटी करवानी है, बिजनेस की क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि मतलब मेरे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मेरे को अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करके रखनी है, मेरे को शॉर्ट टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अब दोनों समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे कि मेरी शॉर्ट टर्म मशीनरी पे हो गई, टेम्प्रेरी कोई मशीन लगा ली, स्टॉक मैंने बढ़ा लिया एकदम से आगे को देखते हुए, लॉन्ग टर्म कोई लैंड परचेज करी फैक्ट्री के लिए, वो सारे डिसीजंस मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आते हैं जो कि अगेन FM का पार्ट है। उसके बाद आते हैं डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली रिवॉर्ड होता है जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को देता हूँ डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने मेरी कंपनी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, उन्होंने कितना शेयर मिला है, जितना मेरे को प्रॉफिट आया उस हिसाब से मैं उनको डिवाइड करता हूँ। डिविडेंड डिसीजन से मेरा मतलब ऐसा है कि मेरे पास जो प्रॉफिट आया, मेरे को प्रॉफिट का क्या करना है, मेरे को कितना शेयर होल्डर्स में बांटना है, कितना मेरे को वापस अपनी कंपनी में लगा देना है उसकी वर्किंग के अंदर, क्योंकि भाई मेरे को प्रॉफिट तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तभी तो मैं अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर पाऊँगा। तो डिविडेंड डिसीजंस बेसिकली वो बैलेंस करना है कि कितना मैं शेयर होल्डर्स को दूं, कितना मैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के अंदर लगाऊं, तो वो मेरे डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं, यानी कि ये मेरे शेयर होल्डर से रिलेटेड है, शेयर होल्डर और एक्सपेंशन से। क्लियर है यहाँ तक? स्कोप के बाद अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस आप लोग लास्ट वाले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिनको ज़्यादा लिखने की आदत है एग्ज़ाम में उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये वाले भी इजी है, मैंने इजी लैंग्वेज में करवाए हैं। सबसे पहला डिटरमाइनिंग दी फाइनेंशियल नीड्स, मेरी कंपनी की क्या फाइनेंशियल नीड्स है, मेरे को कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, मेरे को स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए, मेरे को वर्किंग के लिए कितना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंसर्न है। सेकेंड, भाई अब ये तो पता लग गया कितना पैसा चाहिए, अब मेरे को उसका सोर्स भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे को बैंक से लेना है, मेरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेके आना है, अपने किसी फ्रेंड से बोरो करना है, वो भी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रेगुलरली मेरे जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं एनालिसिस करते रहते हैं, रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं, जो भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस है या फिर जो भी मैं डिसीजंस ले रहा हूँ उनके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, एंड फर्दर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि आगे इनका क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड उनके बेसिस पे मैं आगे डिसीजन लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों का आता है कैपिटल बजटिंग, पैसा तो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बट कितना पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये सारा मेरा बजट में डिसाइड होता है। तो कैपिटल बजटिंग भी मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, ये एलोकेट करता है कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट के पास इतने पैसे रहेंगे, प्रोडक्शन के पास इतने रहेंगे, रॉ मटेरियल में तुम इतना कर सकते हो, सेल्स में तुम प्रमोशंस के लिए इतना ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मेरा फाइनेंस डिसाइड करेगा कि भाई पैसे तो हम लोग इतने देंगे, कहाँ यूज़ करना, कैसे करना, वो आप देखो।
इसके बाद हम लोगों का आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये भी फाइनेंस है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में मैं बेसिकली वो वॉल्यूम पे जोर डालता हूँ जिसमें मेरी ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसके अलावा हम लोगों का प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रॉफिट जो आया कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, सारा फाइनेंस मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और इसमें अगर और ऐड ऑन करना हो तो एक डिविडेंड पॉलिसी भी डाल देते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रखने हैं। तो अगेन ये मेरा फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये थे अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस के बाद अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट की, जनरली जो बुक्स वगैरह है उसमें सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे, बेसिक भी और उसके अलावा भी। तो ऑब्जेक्टिव्स को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डाला है, एक है हम लोगों के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और एक है अदर्स। बेसिक में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो होते हैं हमारा सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट। अब इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? जो हम लोगों का बिजनेस होता है उसका सबसे मेन और प्राइमरी एम एशियन टाइम से रखा गया कि वो प्रॉफिट है, कि भाई प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस का फ़ायदा क्या है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर भी जो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले, दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैसे मैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ, आगे से आगे करूँ। दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एंड ये बोलता है कि प्रॉफिट से ही सिर्फ बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता आज के टाइम में, हमें प्रॉफिट से एक कदम आगे जाना पड़ेगा, वेल्थ के ऊपर जोर डालना पड़ेगा। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा जुड़ा हुआ है मेरे शेयर होल्डर्स के साथ, उन सारे लोगों के साथ जो कि मेरे बिजनेस के साथ एसोसिएट है, मेरे बिजनेस के साथ काम करते हैं। मेरे बिजनेस का अल्टीमेट एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि इन सारे लोगों को और भी ज़्यादा वेल्दी करना, रिच करना होना चाहिए। भाई शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, जो मेरे यहाँ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनका वर्क लाइफ अच्छे से करूँ, उनको अच्छे से सैलरी दे पाऊँ। जितना ज़्यादा मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम लोगों का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एंड एक ये हमारा मेन टॉपिक भी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे दोनों पर। तीसरा आता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में स्पेसिफिकली मैं कैश की बात करूँ कि भाई कितना कैश मेरे पास, हमेशा कितना परसेंट लिक्विड एसेट रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है कि हमेशा मेरे पास जितने की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतना ही लिक्विड एसेट हो। क्यों? क्योंकि लिक्विड एसेट अगर मेरे पास है मतलब उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मेरे पास रिटर्न नहीं आएगा। बट अगर मैं इसका दूसरी साइड देखूँ, अगर मैं सारे इन्वेस्ट कर दूंगा कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उस एसेट का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट से। तो ये थे हम लोगों के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अदर में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। बिल्डिंग रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डिविडेंड वाला जो मैंने बताया था भाई कितने रेशियो में करना चाहिए ताकि अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस की भी तो ग्रोथ करनी है, सारा अगर मैं शेयर होल्डर्स में बांट दूंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो कैसे कर पाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट्स को फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, एक बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो मेरे लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के चलना है एंड फाइनेंशियली डिसिप्लिन होकर चलना है। किसी को भी फालतू के एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड सबसे मेन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मैं इफेक्टिवली यूज़ करूँ, एफिशिएंटली करूँ। तो ये था ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम लोगों ने इसका स्कोप देखा, फंक्शन देखे एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिससे हम लोगों का पहला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। उसके अलावा वी आर सून कमिंग विथ आर ऐप, तो उसके लिए भी रेडी रहे। थैंक यू।